आज की जनरेशन को समझने की जरूरत है। अगर आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो गए और अब आपको मर जाना चाहिए, डरने लगते हो आप फेलियर से। भाई साहब, फेलियर एक एक्चुअली एक सीढ़ी है सक्सेसफुल होने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में इतने अंधेरे देखे हैं, इतनी अनसक्सेसफुल रातें देखी हैं, जब घुट घुट के रोता होता था मैं। मैंने अपने आप से बात की ऐसे, मैं 2 या 3 बार तो बैंक करप्ट हो गया, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने ऐसे जिंदगी ऐसे दिन देखे हैं मैंने, और दिन को वो दिन को याद करता हूं रोने लगता हूं मैं, कभी कभार सहम जाता हूं कि ऐसे दिन मुझे दोबारा नहीं देखने हैं। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि वो इटर्नल है, मतलब वो फेलियर, मतलब आप फेल हो चुके हो तो बस अब तुम्हारी जिंदगी खत्म है। उन अंधेरों से निकल के मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर उस रात को मैं हार मान जाता या वो जो फेलियर हुआ था मेरी जिंदगी में हार मान जाता तो मैं आज यहां तक पहुंचता नहीं। मैं हार मान जाता कि नहीं यार अब तो जिंदगी में बहुत कुछ हो गया, मरते हैं, मैंने ये दिमाग में कभी नहीं लाया। मैं रोया, मैंने ऐसे दिन देखे तो मैं रोया, लेकिन रो के मैंने अपने आप को वादा किया मैं इतनी मेहनत करूंगा कि दिन मुझे दोबारा देखना नहीं पड़े। मैं गिरा, गिर के सीखा, मैंने सीखने के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं। जब जब आप गिरते हो, जब जब आप फेल होते हो ना, एक्चुअल में असली लेसन वही है जिंदगी का। वहीं से समझ में आता है कि मुझे वो गलती दोबारा नहीं करनी। लेकिन हार नहीं मानना, डरना नहीं है। फेलियर इज अ काइंड ऑफ स्टेप इन योर सक्सेस स्टोरी। आपकी सफलता की स्टोरी जब आप लिखने बैठोगे ना तो आप फेलियर काउंट करवाओगे, और वही तो की होती है। आप अगर आप जानना चाहते हो मैं यहां तक कैसे पहुंच गया, इतना बड़ा कैसे पहुंच गया, आज मैं जो स्टॉक पे उसको 20 लाख लोगों ने देखा था, उस 20 लाख लोगों ने जो देखा उसमें क्या था, क्यों देखा 20 लाख लोगों ने, 21 लाख लोगों ने देख लिया उसे, क्या था उसके अंदर ऐसा यूनिक। मेरी स्ट्रगल स्टोरी तो थी, अगर मैंने वो दिन नहीं देखे होते तो शायद उसको सुनता कौन।